21 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, फॉर टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है, जितनी उसमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आने पर ये टेंडेंसी, ये एनर्जी नेगेटिव और होती जाती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज कर रहा है, हेंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई बिकम्स मोर नेगेटिव, वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट बिकम्स लेस नेगेटिव और कम नेगेटिव हो जाती। तो अगर इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है फोर्थ। कैल्शियम का सबसे कम होगा, क्योंकि कैल्शियम एल्युमिनियम के भी नीचे आएगा पीरियड वाइज। कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर एल्युमिनियम, और सबसे कम होगा कैल्शियम।